एवरीवन, वेलकम अगेन टू द फेंसर केमिस्ट्री क्लासेस हजारीबाग। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 3 सप्ताह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, जिसका कारण कुछ टेक्निकल एरर था। चलिए, अब उसी पढ़ाई को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पुराने लेक्चर को एक बार फिर हम लोग उजागर करते हैं, हाईलाइट के तौर पर अब सीखते हैं। हमने ये हालांकि पढ़ के रखा हुआ है, टॉपिक जो है वो पढ़ के रखा हुआ है, नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन्स। जो अभी नए नए हमारे वीडियो में जुड़ रहे हैं वो कृपया चैनल में जाएं और शुरू से वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आप शुरू से देखोगे नहीं आपको क्लियरिफाई नहीं होगा, आप डायरेक्ट एल्काइन्स का नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ सकते। जब तक छोटे छोटे चीजों का आप बारीकी से नेम, जैसे वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स, ये सब चारों चीजों का जब आप अध्ययन किए रहेंगे तो आप आईपेक नेम में घुसेंगे। चलिए, हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग चलते हैं एल्काइन्स की ओर। एल्काइन्स है क्या चीज? अब एल्काइन्स एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे कार्बन कार्बन आइटमों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। दैट मींस कोई भी दो कार्बन के बीच में, कार्बन एटमों के बीच में, हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? अल्काइन्स बोलेंगे। ये नाम कहां से शुरू हुआ है देखें जरा से। आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा एल्काइन। ये एल्काइन दो वर्ड से मिलकर बना है, ए अल्क और वाई यानी। अब जानते हो ये अल्क को क्या बोलते हैं? रूट वर्ड अथवा वर्ड रूट। क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। और ये जो है वाई यानी है, ये प्राइमरी सफिक्स है। क्या है? प्राइमरी सफिक्स, जो वर्ड रूट के जस्ट तुरंत बाद आता है। अब जानते हैं, हमने पुराने वीडियो में यह पढ़ के रखा हुआ है कि ये जो वर्ड रूट है वो तो कार्बन एटम की जनसंख्या को दर्शाता है, रिप्रेजेंट्स द कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट्स इन द पेरेंट चेन। और ये वाईएनई जो है वो प्राइमरी सफिक्स है, जो कि ये दर्शाता है कि ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। दैट मींस सैचुरेशन है कि अनसैचुरेशन है? नहीं, सैचुरेशन तो सिर्फ एल्केन को बोलते हैं, एल्कीन और एल्काइन्स को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या दिखाता है, ये डबल बॉन्ड दिखाता है, नहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखाता है। क्या दिखाता है? ट्रिपल बॉन्ड, कि उस कंपाउंड में कार्बन एटमों के बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड है क्या, यह दिखाता है। जैसे इनकेस आप चलते हैं कोई भी एक, हमने ले लिया दो कंपाउंड, आप एक कार्बन एटम तो लेंगे नहीं, दो कार्बन एटम, कितने लेना पड़ेगा? दो कार्बन एटम। एक कार्बन एटम से काम चलेगा नहीं, क्योंकि जब भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कोई दो कार्बन एटम के ना बीच में रहेगा, तो इसका जो एन स्टार्ट होगा मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम की जो जनसंख्या रहेगी वो कहां से रहेगी? मतलब तीन कार्बन एटम नहीं, दो कार्बन। अब जब दो कार्बन एटम का हमने दे दिया, दोनों कार्बन एटमों के बीच में हमने एक ट्रिपल बॉन्ड पुट किया, तो ध्यान से देखेंगे ए इंट्रोडक्शन, तो इसके इस कार्बन एटम के कितने वैलेंसी हो गए? अभी चार वैलेंसी, अभी तीन वैलेंसी आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। कितना वैलेंसी है? तीन वैलेंसी। इस कार्बन एटम के भी तीन वैलेंसी। अब बनाना है हाइड्रोकार्बन तो इसका तो चार वैलेंसी होता है, तो एक वैलेंसी कौन सेटिस्फाइड करने आएगा? हाइड्रोजन। एक वैलेंसी कौन सेटिस्फाइड करने आएगा? हाइड्रोजन। मतलब आप इसको शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये क्या है कंडेंस फॉर्मूला। अब इसका नेमिंग सीखना है, क्या सीखना है नेमिंग। अब देखिए यहां पर ये तो हमने पढ़ के रखा हुआ है, पहले भी पढ़ के रखा हुआ है, क्लास में भी बता रहे हैं, क्लास में भी पढ़ के रखा हुआ है। अब कार्बन एटम की जनसंख्या दो है तो इसका, अब देखिए यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो शॉर्ट में आप इसको एल्काइन्स तो बोल सकते हो, क्या बोलोगे कि ये एल्काइन है। लेकिन किस प्रकार का एल्काइन है, कितने कार्बन एटमों वाले एल्काइन है, तो जितने कार्बन एटम है, कितने कार्बन एटम, हाइड्रोजन का नहीं, कार्बन को देखो दो कार्बन एटम, तो आप अल्क के जगह पर व्हाट रूट नेम, दो कार्बन एटम वाला क्या होता है इथ, आधे है, और YN है तो तुरंत यहीं पर लगा देना है YN, इसका नाम क्या हो गया इथाइन। अगर यदि इन केस ऐसा पड़े आपके पास CH3 एक जगह क्या रहे CH3 और ये रहा H, यहां मिटा देते हैं और यहां पर रहा ट्रिपल बॉन्ड और ये रहा CH, फिर मेरे पास ये रहा। अब यहां पर इसका नेमिंग किस तरह से करोगे, आईपेक नेम का रूल रेगुलेशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टू द पेरेंट चेन, सबसे पहले हमको मूव करना है पेरेंट चेन की ओर। अब पेरेंट चेन मतलब हाउ मेनी कार्बन एटम्स, स्ट्रेट चेन की ओर मूव करना है। आप गिनती उधर से करोगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े, क्या पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, एक दो तीन, तीन कार्बन एटम वाले का व्हाट रूट नेम क्या होता है प्रो, क्या प्रो, और चूंकि डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड एक और दो पर नहीं, कहां पर है वन पर है, आप यहां पर वन लिख के वाई एन ई लिख सकते हो, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड एक पर है, कहां पर है नंबर वन पर ही पर, जैसे आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो प्रोपाइन, क्या लिख सकते हो प्रोपाइन, क्लियर है, बहुत आसान है, आपको सिर्फ दिमाग में लाउड रखना है। ये एल्काइन्स के कुछ इंट्रोडक्शन है, जैसे मेरे पास कंपाउंड आ गया, अगला कंपाउंड मान लो हमने ले लिया अपने मन से, याद होगा आपको ये ले लिया कंपाउंड, बहुत आसान कंपाउंड है, देखिए कि नेम पता चल रहा होगा, कहता है सबसे पहले हमको किधर जाना है लॉन्गेस्ट कार्बन की ओर, कार्बन एटम की जनसंख्या गिन रही है एक दो तीन चार दोनों से ही एक ही तरफ जाना है, दोनों तरफ नहीं, अब इधर आ रहे हैं तो ये सबस्टिट्यूएंट्स और सीधा जा रहे हैं तो ये सबस्टिट्यूएंट्स, तो आपको क्या करना है, चलो भाई सीधा चलते हैं हम लोग, सीधा ज्यादा मूव करते हैं हम लोग स्ट्रेट की ओर, बहुत आसान है। अब गिनती यहां पर किधर से स्टार्ट होगा, सर यहां पर ये यहां इधर से कर रहे हैं तो ये पहला नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से जा रहे हैं तो एक दूसरा नंबर पर आ रहा है सबस्टिट्यूएंट्स, नहीं भाई सबस्टिट्यूएंट्स ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, तो ये आपको दिमाग में लौट रखना कि सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड से बहुत छोटा होता है, तो आपको वन यहां देना है, टू यहां देना है, थ्री फोर, क्लियर। अब थ्री पर क्या मिल रहा है मिथाइल, इसका नाम मिथाइल है ना, थ्री पर मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन एटम्स, टोटल कितने कार्बन एटम्स, चार, तो क्या दे देना है आपको ब्यूट, और चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है जगह तो वो ट्रिपल बॉन्ड कौन सा जगह पर है, पहला नंबर पर है, तो आप दे सकते हो यहां पर वन पर वाई एन ई, आप वन आ रहा है, टू आता तो इस तरह से लिखते तो काम चलता, थ्री आता तो इस तरह से लिखते तो काम चलता, ये भी काम चलेगा। आप डायरेक्ट यहां पर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहां पर वाई एन ई ब्यूटाइन लिख सकते हो, चूंकि किसको लेकर हमने नेम किया है, इस ट्रिपल बॉन्ड को लेकर नेम किया है, यह दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। चलिए अगला कंपाउंड कुछ सीखते हैं।
मान लो आपके पास ये कंपाउंड है, यहीं पर हमने क्या पा दिया, ट्रिपल बॉन्ड। ये कंपाउंड है मेरे पास, वन मार्क्स का पुस्तक है, लेकिन विदाउट क्या है, क्या फर्स्ट ईयर में नॉमिनिकलेचर पढ़ना जरूरी है और सेकेंड ईयर में पढ़ना मजबूरी है? जरूरी और मजबूरी में ज्यादा अंतर नहीं है, और देखोगे तो बहुत अंतर है। आप धीरे धीरे क्या करोगे, इसको डन करते जाओ, ताकि आपका जो एक रिदम होता है ना, पढ़ाई का रिदम सिस्टम, वो बरकरार रहे, वो टूटे ना। अब ये दिख रहा होगा क्लोरीन, ये क्लोरीन है, डेट मींस क्लोरो, तो ये आपको सीधा चेन इस तरह से दिख रहा होगा आपके पास, ये सीधा चेन दिख रहा होगा। गिनती किधर से करें सर? इधर से एक दो पर मिल रहा है डबल बॉन्ड, इधर से एक दो पर मिल रहा है क्लोरो, ओहो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया सर। डबल बॉन्ड नहीं, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है दो पर, इधर से जा रहे तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है। हमने क्या बोला था, क्या बोला था कि ब्रांच जो ये सब्स्टिट्यूएंट्स छोटा होता है, किससे, ट्रिपल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, दोनों से। तो इधर से ना प्रायोरिटी दे करके आपको प्रायोरिटी देना है ट्रिपल बॉन्ड को, एक दो तीन चार पांच। अब ये तो कहला गया सब्स्टिट्यूएंट्स ना भाई, तो सब्स्टिट्यूएंट्स जो इसका लिखते हैं क्लोरो, क्या लिखते हैं क्लोरो, तो कितने पोजीशन पर, फोर नंबर पोजीशन पर क्लोरो, क्या गया क्लोरो। हाउ मेनी कार्बन एटम्स, पहले ये प्रीफिक्स का काम तमाम करना है, हमने पहले भी जिक्र किया था इसका, कितने कार्बन एटम है पेरेंट चेन में, पांच, पांच कार्बन एटम है, तो पांच कार्बन एटम का वर्ड रूट नेम लिखने हैं आपको, क्या लिखना है पेंट, क्या लिखना है पेंट। चूंकि डबल बॉन्ड अब कहां पर आ रहा है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कहां पर आ रहा है, दूसरा नंबर पर, आपको वाई एन ई देने से काम नहीं चलेगा, एक पर चलेगा, हमने बोला था दो तीन चार रहे, तो वाई एन ई से काम ना चलाना, क्या इसका पोजिशन नंबर दे देना आपने, क्या हो जाएगा टू पर वाई एन ई, क्लियर है। अब यहां पर कहोगे सर पेंटाइन कर दे जा रहे, नहीं गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, एक पर रहेगा तो आप डायरेक्ट वाई एन ई से काम चला सकते हो, दो या तीन पर रहे तो आप नहीं चला सकते, यह है कंडीशन। अगर यदि हमें, चलो अगला सीखते हैं कि अगर यदि यही डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में दो बार रहता, वही डबल बॉन्ड की तरह इसमें भी अल्का करना है, क्या करना है अल्का, जैसे आपके पास बहुत छोटा कंपाउंड ले रहे हैं, चलिए मेरे पास कंपाउंड है, ये मेरे पास कंपाउंड है, इसको सीखते हैं कि ये कितने कार्बन एटम का कंपाउंड है। सबसे पहले ये देखो चार कार्बन एटम का है, कितना का है, चार कार्बन एटम, चार कार्बन एटम है तो ऑब्वियस इसका वर्ड रूट नेम क्या होना चाहिए मेरे ख्याल से, ब्यूट, क्या ब्यूट, ब्यूट, चलिए क्लियर, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग वर्ड रूट की ओर मूव करेंगे, ब्यूट है। अब इसमें कहता है कि सर ब्यूट तो है लेकिन जो डबल सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है वो दो बार पर, जैसे इसी कंपाउंड, तो ब्यूट देने से काम चलेगा, आपको लगाना है यहां पर ब्यूटा, क्या लगाना है ब्यूटा, क्योंकि हमने बोला था आपके पास जिक्र किया था डबल बॉन्ड के मतलब एल्कीन के नॉमिनिकलेचर में हमने जिक्र किया था कि अगर यदि डबल बॉन्ड दो बार अथवा ट्रिपल बॉन्ड भी दो बार रहे अथवा दो से अधिक रहे तो आपको क्या करना है ब्यूट के जगह पर ब्यूटा लगाना है और उसका पोजीशन नंबर क्लियर कर देना है, एक दो तीन चार। अब कहां पर है, एक पहले ही नंबर पर है और दूसरा तीसरा नंबर पर है, तो वन कोमा थ्री और टोटल कितने हैं, दो ठो है तो दो क्या लगाना है आपको, डाई, और दो ठो क्या है वाई एन ए है, हो गया बहुत आसान है। जैसे अगला कंपाउंड है मेरे पास कि सर अगर यदि ट्रिपल